बिसमिलीम्स असल नासरिन में जी ये साकीियों आज सत्रह जुलाई दो हज़ार तेईस के अंदर और दिन का एक बजाय है नाजरन तमाम द्रयाओं के वाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ जो ताज़ा तरीन अखराज चल रहा है मुख्तलिफ्स और बराजों पर दरया सतलुज के वाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ डैम्स लेवल भी बताता हूँ भारत में जो डैम्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और क्या अगले दो चार रोज़ में क्या सूरत हाल रहेगी ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ और पाकिस्तानी मंगला और तरबेला डैम का लेवल भी आपको बता देता हूँ और बाकी दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ मौसम के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ नाजरीन मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे पर जो नए दोस्त बाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें बहुत शुक्रिया और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं या न्यू सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ और नए नाजरीन को भी खुश आमदीद कहता हूँ मशकूर रहूँगा ममनून रहूँगा और आप तक बर वक्त मुसद्दा तजिया तबसरे के साथ ख़बरें पहुँचाता रहूँगा और भारत तक के जो अहवाल हैं मुखलिफ़ दरियाओं के या डैम्स के वो सारी डिटेल आप तक पहुँचती रहेगी तो सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो देखें नासरीन हिमाचल प्रदेश भारत में भी बारिशें हैं और पंजाब भारतीय पंजाब में भी बारिश है आज और कल और वहाँ पर गैरमूली गह, तूफानी बारिशें हैं और पाकिस्तानी पंजाब में भी बारिश हैं यानी चढ़दा और लिंदा पंजाब दोनों देख बारिश हैं और यानी पाकिस्तानी पंजाब के अंदर जो है वो जनूबी शुमाली वस्ती पंजाब में बारिशें और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और दरियाओं के तमाम कैचमेट एरियाज़ में बारिशें हैं तो इस हवाले से क्या सूरत हाल रहेगी कि कितने मिली मीटर बारिश होगी ये देखना होगा और नाजरीन अब मैं आपको डैम्स लेवल बता देता हूं जो भारत में जो सूरत हाल चल रही है इस हवाले से काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं और दोस्तों की कॉल्स भी आ रही है उसके बाद रियासतलोज का ताज़ा हवाल कुछ दोस्तों के कॉल्स वीडियो क्लिप्स भी आए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और हिमाचल प्रदेश में आइंदा इकतीस जुलाई तक कितनी बारिश होगी ये सारी डिटेल और इतना कुछ बताना तीन चार या पाँच मिनट की वीडियो में मुमकिन नहीं होता ये सात आठ मिनट की वीडियो बन जाती है तो बहरहाल हम स्टार्ट कर लेते हैं देखें अभी मुखल जराय से मैंने जो ख़बर ली है तो उसमें जो रंजीत सागर डैम है भारत का दरिया चिनाब पर और ये पठानकोट के साथ है पंजाब चढ़दा पंजाब यानी भारतीय पंजाब में तो वो जो रंजीत सागर डैम है उसका ख़तरे के निशान से सिर्फ़ चौदह फुट नीचे है और उसमें जो पानी की आमद है वो पैंतीस हज़ार क्यूसिक हो रही है सिर्फ़ चौदह फुट रह गया उस डेंजरस लेवल तक ख़तरनाक लेवल तक अगर ये भरता है तो वहाँ से फिर सिलाबी रेला छोड़ा जाएगा वो भी डिपेंड करता है मुन मुनसर उसका होता है या इनार वो इस पर होता है कि पीछे से बारिशें और पीछे पीछे से इनफ्लो कितना है उतना आउटफ्लो निकालना पड़ेगा कल उन्होंने रंजीत सागर डैम से चौदह हज़ार क्यूसक पानी निकाला था जो माधोपुर हेडवर्क से होता हुआ पाकिस्तान की तरफ उन्होंने छोड़ दिया था तो ये एक थोड़ा लेवल था चौदह हज़ार क्यूसक था तो अब वहाँ पर पैंतीस हज़ार आमद है और अभी थोड़ा कम कर दिया गया वहाँ से अखराज और ख़तरे के लेवल से चौदह फुट नीचे आया तो और चूँकि पंजाब में बहुत ज़्यादा गैरमूली बारिशें हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में तो इसमें ख़तरा पैदा है हो गया है कि मतलब किसी भी वक्त तो वहाँ से बारिशों पर डिपेंड करता है कि कितनी बारिशें होती हैं और वहाँ से सलाबी रेला छोड़ा जा सकता है उसके बाद भाखड़ा डैम की बात करें तो नाजरीन भाखड़ा डैम जो है वो ख़तरे से नीचे इकतालीस फुट है और मतलब सिर्फ इकतालीस फुट रह गया और इसकी बात ज़रा सुनिए दरिया सतलुज के नासरी ज़रा गौर से और बड़े तवज्जो से सुनिएगा वहाँ पे वो बताया जा रहा था अभी मैं चंद मिनट पहले इसकी रिपोर्ट ले रहा था तो वो बता रहे थे कि सोलह सौ इकतालीस इशारिया तीन जीरो फुट तक वो भर चुका है और उसका मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है तो आप ये ना समझें कि अभी तो उनतालीस फ़ीट रहता है लेकिन उन्होंने साथ ये ही ये भी बताया कि जब 1645 फीट तक ये जाता है तो उसके बाद फ्लड गेट्स खोल दिए जाते हैं भाखड़ा डैम के उसकी वजह यह है कि उसके बाद अगर ना खोलें तो फिर ऊपर जो है डेंजरस लेवल स्टार्ट हो जाता है फिर डैम्स के लिए भी ख़तरा हो जाता है और एकदम से पानी निकालना फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है तो उन्होंने कहा कि अगर चार फुट और इसमें पानी आ जाता है मतलब सोलह फीट तक हो चुका है और सोलह फीट तक होता है तो उसके बाद जो है इसके स्पिलवे वेज खोले जाएंगे बाकड़ा डैम के तो फिर रिया सतलुज में पानी आ सकता लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगले पाँच दिन तक जो बी बी एम बी है यानी ब्यास बाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो इस पानियों को छोड़ता है या उसका अखराज या देखभाल या उनका एक बोर्ड बना हुआ है सारा इंतज़ाम इंसराम उनके हाथ में है तो जो ब्यास भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसने फैसला किया कि अगले पाँच दिन हम भाखड़ा डैम से पानी नहीं छोड़ेंगे अगर बारिशें मामूल के मुताबिक रहीं अगर बारिशें ज़्यादा हो गई तो फिर वहाँ से पानी छोड़ना पड़ सकता है उनको और यह सूरत हाल है अब पोंग डैम की बात कर लेते हैं क्योंकि दरया ब्यास पर पोंग डैम है तो दर ब्यास का पानी भी तो दरिया सतले में आता है ना हरीके के साथ तो पोंग डैम में जो पानी की आमद है वो पचानवे हज़ार क्यूसक है उसके अंदर जो आ रहा है और वो ख़तरे के निशान से सिर्फ 20 फुट नीचे है तो वहाँ वो भी बिल्कुल भरने के करीब है और वहाँ से कल रात को 22,300 हज़ार तीन पानी छोड़ा भी गया था तो अब भी सूरत हाल इस तरह की है तो अब ये जो है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड फ़ैसला करेगा कि आइंदा दो तीन रोज़ में क्या सूरत हाल रहेगी और नाजरीन हिमाचल प्रदेश में बारिशें क्या इकतीस जुलाई तक जो बारिशें हैं चार मिली से लेकर पैंतीस मिले तक बारिशें होंगी और उसमें अट्ठाईस और उनतीस जुलाई को बत्तीस या पैंतीस मिली मीटर तक बारिश हो सकती है या इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है और इसी तरह जम्मू और कश्मीर में भी इकतीस जुलाई तक अब बीस तीस मिली मीटर तक बारिशें होंगी तो दरिया चनाब में भी सूरत हाल खराब हो सकती है क्योंकि दरिया चनाब का जो चार डैम है वहाँ पर जम्मू और कश्मीर में जिसमें कशन किशन गंगा है बगलिया डैम है सलाल डैम है डोल डैम है तो इनकी सूरत्याली भरने के करीब है अगर वहाँ पर भी मज़ीद बारिशें होंगी तो दरिया चिनाब में भी तुफिया तो नहीं आ सकती है अब आपने डैम्स की बात उसके बाद फिर दरिया सतलुज की और आपको जो डाटा बताऊँगा हमारा जो त्रिबेला डैम है वो पंद्रह सौ चौदह इशारिया सात सात फीट तक भर चुका है मैक्सीम लेवल पंद्रह सौ पचास फीट है और इसी तरह जो मंगला डैम है वो बारह सौ पाँच इशारिया छः पाँच फीट तक भर चुका है और इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो बारह सौ बयालीस फ़ीट है नजरिया आप द्रया सतलु की तरफ आ जाते हैं तो देखें द्रया सतलोई से कुछ दोस्तों की कॉल्स आई जैसे मौज़ा नून है किची टवाना या मीरो बलोच वग़ैरह लुडन के साथ हैं अदा खांड भाई हैं उन्होंने कॉल किया और उन्होंने वहाँ के हालात वगैरह बताया कि पानी वहाँ पे दाखिल हुआ हुआ है और कहीं जो ढलवान है या पुरानी जो आसार हैं जहाँ पे दरिया कभी बहता था तो उनमें नलाज में पानी वानी आया हुआ है तो फसलात वगैरह को काफ़ी नुकसान उसने पहुँचाया हुआ है तो इस यानी वो इस्लाम से ऊपर वाली साइड पे पंद्रह किलोमीटर के फासले पर बैठे हुए हैं अच्छा उसके बाद पाकपतन से भी हमारे कुछ दोस्तों ने कॉल करके बताया कि पाक पतन में वीडियो भी शेयर की चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर भूटा साहब हैं या मोहम्मद ख़ान चोटिया साहब हैं ये मौज़ा बेला बेला या बेला जो है या मौज़ा रत्ते की ये पाक पतन के मवा़्यात हैं और वहाँ पर ख़ासा नुकसान हुआ उनकी फसलात वगैरह को ज़ेर आब आ गई हैं तो उन्होंने मुख्त वीडियोज़ भी शेयर की तो इसी तरह दीगर दोस्तों की भी कॉल्स आती रही हैं तो आप दरिया सतलोज का जो तो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वह गंडा सिंह पर जो अभी एक बजे बारह बजे का डाटा है उसके मुताबिक बीस हज़ार तीन सौ सत्तर क्यूसेक वहाँ से अखराज हो रहा है सलेमान की पर पैंसठ हज़ार चार सौ अस्सी क्यूसेक अखराज किया जा रहा है कुछ दोस्त पूछ रहे थे आमद कितनी और अखराज देखें आमद दिन में एक मरतबा उसका पता चलता है तो अभी आमद जो बताई गई है मतलब बारह बजे तो आमद भी पैंसठ हज़ार चार सौ अस्सी क्यूसेक है की पर और अखराज भी इतना है क्योंकि शायद नहरें बंद की होंगी और एफ एफ डी कह रहा है कि अगले चौबीस घंटों में जो सुलेमान की और पचास हज़ार से पैंसठ हज़ार तक के दरमियान रहेगा इस्लाम पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो अठारह हज़ार छः सौ पचानवे क्यूसिक है और ये इस्लाम का चौबीस घंटों के लिए एफ एफ डी कह रहा है कि पंद्रह हज़ार से लेकर तीस हज़ार के दरमियान रहेगा तो कुछ दोस्तों की जब कॉल आएँ जो जिनके मैंने नाम लिए हैं वो लुडन के साथ वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मतलब इधर पानी वानी आ रहा है तो मतलब 18 अगर इस्लाम पे पहुँचा हुआ तो पीछे 22-25 तो 25-30 और आ सकता है इसमें तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना लेवल रहेगा मतलब 40 से 50 के दरमियान इस्लाम रहेगा रावी में जसर पर उनतीस हज़ार नौ सौ शादरा पर बीस हज़ार उनहत्तर क्यूसिक के बल्लो की पर छब्बीस हज़ार छः सौ तीस क्यूसक बराज पर दस हज़ार दो सौ पचपन है अदरा में मराला पर इस वक्त जो अखराज है वो इकसठ हज़ार तीन सौ बीस है और यहाँ पर एफ एफ डी ने बताया कि अगले चौबीस घंटों में मराला जो है वो सत्तर हज़ार से लेकर पचानवे हज़ार क्यूसक तक जा सकता है खानकी पर बासठ हज़ार छः सौ तैंतालीस कादराबाद पर छियालीस हज़ार सात सौ पंद्रह बराज पर इक्कीस हज़ार दो पर सतह कम हो गई है अब पैंतीस हज़ार एक सौ चौंतीस क्यूसक वहाँ से अखराज हो रहा है अदरिया जिले में मुजफ्फराबाद पर सत्रह हज़ार चार सौ क्यूसक डोम्बिल पर तेईस हज़ार दो सौ चालीस क्यूसक छत्तर क्लास पर छप्पन हज़ार आठ सौ साठ क्यूसक आज़ाद पतन पर अठावन हज़ार नौ सौ चालीस क्यूसक कोटरी पर पाँच हज़ार पाँच सौ अस्सी क्यूसक और मंगला डैम से जो अखराज किए जा रहे हैं वो दस हज़ार है रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा अद्राया सिंध में सकर्दो पर चुरानवे हज़ार पाँच सौ क्यूसक पी ब्रिज पर एक लाख पचपन हज़ार नौ सौ क्यूसक पर एक लाख सैतालीस हज़ार सात सौ क्यूसक त्रबेला डैम से जो अखराज किया जा रहे हैं वो एक लाख पैंसठ हज़ार एक सौ क्यूसक काबुल दरिया में अड़तालीस हज़ार नौ सौ क्यूसिक कालाबाग पर दो लाख दो हज़ार आठ सौ चौंसठ क्यूसक चश्मा पर दो लाख दस हज़ार एक सौ चवालीस क्यूसिक तोसा पर एक लाख छियासठ हज़ार चार सौ उनहत्तर क्यूसिक गुड्डू पर एक लाख उनतालीस हज़ार क्यूसिक सखर पर सतर हज़ार तीन सौ चार क्यूसिक कोटरी पर तैंतीस हज़ार आठ सौ तैंतालीस क्यूसक अखराज किया जा रहा है तो नाजरीन ये ताज़ा तरीन डाटा था और बाकी तज़िया तबसरा मैं बार हाँ कर चुका हूँ बस इधर ही वीडियो को वाइंड अप करते हैं अब जब के नई कोई रिपोर्ट आएगी अपडेट आएगी वैसे तो मैं आपको छः सात बजे करूँगा लेकिन उससे कबल भारतीय डैम्स की कोई ख़बर आ जाती है कहीं से भी कोई इस तरह की खबर आ जा आ जाती है तो मैं बार वक्त आपसे शेयर कर दूँगा बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह तला आपको अपने हिस्सा मान में रख के मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़